ओके फ्रेंड, अफ़गानी चिकन टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन लेंगे। ये हमारा 1 किलो चिकन है। इसे हम अच्छे तरीके से वॉश करके छनने में रख लिया है। इनमें से हम सिर्फ आधा किलो चिकन का ही प्रयोग करेंगे। जब पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए तो उसमें हम मैरिनेशन के लिए नींबू, सफ़ेद नमक, काली मिर्च, हरा मिर्चा, हरा धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट कूट कर डालेंगे और इन्हें मिलाकर आधे घंटे मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। अब चिकन पेस्ट के लिए मसाले तैयार करेंगे, जिसमें 20 ग्राम काजू है और 20 ग्राम पोस्ता का दाना, जिसे खसखस कहते हैं, इसे पॉपी सीड भी कहते हैं। अब हम इन सबको ग्राइंडर में पीसकर एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। मैंने यहाँ क्रीम की जगह दूध की मलाई का यूज किया है, आप क्रीम भी यूज कर सकते हैं। मलाई 2 से 3 चम्मच है। ये हमारा दही है, जिसे हमने छनने में डाला है ताकि इसका पानी अच्छे तरीके से निकल जाए। जब दही से पूरे तरीके से पानी निकल जाए तभी हम इसका प्रयोग करेंगे। हम 2 से 3 चम्मच दही अपने पेस्ट में डालेंगे। अब हम इन सबको मिलाकर एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा पेस्ट अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। चिकन को मैरिनेट हुए आधे घंटे हो गए हैं। अब हमने जो पेस्ट बनाया है उसको भी चिकन में डाल देंगे और मैरिनेशन के लिए 5 से 8 घंटे तक फ्रिज में रख देंगे। अब हम इसे वेजिटेबल ऑयल और बटर के साथ शैलो फ्राई करेंगे। ध्यान रहे, स्टार्टिंग में हम इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे, फिर 2 से 3 मिनट बाद इसे हम दोनों तरफ से फ्राई करना शुरू कर देंगे। लगभग 7 से 8 मिनट के बाद हमारा चिकन कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। हम इसे अच्छे तरीके से चलाते रहेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे, नहीं तो चिकन का पीस टूट जाएगा। जैसा कि मेरे पास तंदूर नहीं है तो मैं गैस पर ही कुछ इस तरीके से अपने चिकन के पीसेस को सेक लूँगा। जैसा कि देख सकते हैं आप, ये चिकन के पीसेस बहुत अच्छे तरीके से गैस पर सेक रहे हैं और बीच बीच में हम बटर भी लगाते रहेंगे ताकि हमारा चिकन में मॉइस्चर बना रहे और ड्राई ना हो। और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 से 4 मिनट के लिए हम इसे पलट पलट कर सेक लेंगे और कुछ इस तरीके से हमारा चिकन तंदूर जैसा भुना हुआ दिखने लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे चिकन अच्छे तरीके से सिक गए हैं। अब हम अपने चिकन में वो मैरिनेशन के मसाले डालेंगे जो बच गए थे। इस मसालों को हम उसी कढ़ाई में 1 से 2 मिनट के लिए इसको भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। इसी मसाले में हम कच्चा क्रीम डालेंगे और इन सभी को मिलाकर हम चिकन में डाल देंगे कुछ इस तरीके से। और यहीं पर हम 100 से 150 ग्राम मेल्टेड बटर डालेंगे। यहीं पर हम आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर तथा आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर मिला देंगे। और इसे हल्का हल्का चला लेंगे। इसे गैस पर पकाना नहीं है, गैस ऑफ करके ही इसे चलाना है। और इस तरीके से हमारा अफ़गानी चिकन टिक्का तैयार हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा अफ़गानी चिकन टिक्का अब रेडी हो चुका है। अगर हमारा रेसिपी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।